जय माता दी बंधु, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं और अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि के अप्रैल, मई और जून माह के भविष्य फल के बारे में। तो बंधुओं, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। और कमेंट बॉक्स में ही आपको हमारे एक और वीडियो की लिंक दिखाई दे रही होगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर आएगा। तुला राशि 2021 के जातकों के मुताबिक अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर होगा, क्योंकि इस महीने में शुक्र लाभ का स्वामी होकर के सुख के स्थान में उच्च का होकर सूर्य के साथ बैठेंगे। ऐसे में ये सुख संबंधी चीजें देने वाला बन जाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आना और कार्य क्षेत्र को देखना आपके लिए कई अवसर देने वाला होगा। भाग्य का स्वामी होना भाग्य में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग बनाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए इस समय को संघर्षमय कहा जा सकता है। इस समय आपको अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। सफलता केवल परिश्रम से मिलेगी। धन लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। प्रयास करके पर विदेश यात्रा का भी मौका मिल सकता है। मई का महीना भी तुला राशि वालों के लिए एक उपहार देने वाला रहेगा, क्योंकि मई के महीने में शुक्र कर्म के स्वामी होकर के भाग्य के स्वामी बुध के साथ सुख स्थान में होंगे, जिसके एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके करियर में अच्छी सफलता व ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कार्यों में सफलता, इंक्रीमेंट व प्रमोशन संबंधी योग भी इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। पूरी ईमानदारी से काम करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। बड़े अधिकारी से सराहना मिल सकती है, जिसके कारण आप जातकों का मन इस महीने प्रफुल्लित रहेगा। लेकिन बिजनेस वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला तो नहीं कह सकते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव, मन में स्थिरता बनी रहेगी, जिसका असर आपके व्यापार पर देखने को मिलेगा। व्यापार के प्रति मन में चिंता बसेरा डाल सकती है। धन का योग तो बनेगा, लेकिन मन स्थिर नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, उन्हें इस समय का फायदा उठाना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी समय अच्छा कहा सकते हैं। साथी के साथ कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय उत्तम रहेगा। सेहत की चिंता इस समय करना उचित नहीं है, सामान्य ध्यान बनाए रखें। सूर्य का राशि परिवर्तन करके मेष में आना व उच्च का होकर के सुख के घर में बैठना करियर में तरक्की की सूचक है। इस समय कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। शनि भी इस महीने 23 मई को वक्री हो रहे हैं। ऐसे में आपकी वैवाहिक जीवन व प्यार पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। थोड़ा संघर्ष में समय रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। जून का महीना भी तुला राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र व व्यापार के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन इस महीने में स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम में होंगी, उसके कारण एक मानसिक चिंताएं बनी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपकी सफलता लगभग तय होगी। धन के अच्छे योग हैं, वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम है, इस समय का लाभ उठाएं। 20 जून को बृहस्पति का वक्री होना, लेकिन वक्री बृहस्पति का भी शुभ फल आपको मिलेगा, जो आपके धन पक्ष के लिए अच्छा योग बनाएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा। तुला राशि 2021 की बात करें तो यह साल तुला जातकों के लिए काफ़ी उठा पटक भरा रहने वाला है। जून के जुलाई के बीच में समय में मंगल का गोचर आपके कुंडली के दशम भाव में विराजित रहेगा, जिसके चलते आपको अपने
कार्य क्षेत्र में काफी लाभ होने की उम्मीद है। इस साल शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव में रहने के चलते आपको साल भर मेहनत करने का योग बनता नजर आ रहा है। इस साल आपकी कुंडली में बृहस्पति का गोचर भी होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे होंगे तो आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वर्ष 2021 में राहु के अष्टम भाव में होने से आपकी ज़िंदगी में होने वाले कुछ फालतू के खर्चे आपको थोड़ा परेशान अवश्य कर सकते हैं। इस साल आपको आपकी माताजी से होने वाले लाभ मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। तुला जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में साल 2021 काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीदें हैं। तुला जातकों के लिए शिक्षा के संबंध में अप्रैल तक का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आगे अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। साल 2021 में शनि तुला जातकों के चौथे भाव में रहेंगे, जिससे घर से दूरी बनने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। ये साल आपकी माता के स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है। तुला राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन और संतान के संदर्भ में साल 2021 कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल की शुरुआत में ही मंगल आपकी राशि के सप्तम भाव में होने की वजह से आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आने की गुंजाइश जता रहा है। अप्रैल के महीने में आपके संतान को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के संयोग बन रहे हैं। इस वर्ष उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 उनके प्रेम जीवन से जुड़े मामलों में काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इस साल कई लोगों को प्रेम में सफलता भी मिल सकती है, तो वहीं कई लोगों को प्रेम विवाह की सौगात भी मिलने के संयोग बनते नजर आ रहे हैं। तुला जातकों के लिए उनका प्रेम जीवन भी 2021 में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वर्ष 2021 में तुला जातकों को उनके स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस साल किसी भी तरह का कोई बड़ा रोग होने की तो संभावनाएं नहीं बन रही हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखें। बंधुओं, ये था वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।